आगे बढ़ते बात ग्रेटर नोएडा की, जहां पर इस वक्त की एक बड़ी खबर, फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए छात्र, हॉस्टल का खाना खाने से 100 छात्रों की तबीयत खराब हो गई। मामले की जांच में जुटी हुई है नोएडा पुलिस। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए छात्र मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। से बड़ी खबर इस वक्त की ग्रेटर नोएडा से, जहाँ हॉस्टल का खाना खाने से कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो गई और मामले की जाँच कर रही है पुलिस। और देखिए, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए छात्र, हॉस्टल का खाना खाने से 100 छात्रों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। ग्रेटर नोएडा से यह इस वक्त की बड़ी खबर। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए छात्र, हॉस्टल का खाना खाने से 100 छात्रों की तबीयत खराब हो गई। मामले की जांच में जुटी हुई है नोएडा पुलिस। ग्रेटर नोएडा से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए छात्र, हॉस्टल का खाना खाने से 100 छात्रों की तबीयत बिगड़ी। मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है नोएडा पुलिस। ग्रेटर नोएडा से ये इस वक्त की बड़ी खबर। अमित सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी अमित, क्या जानकारी मिल रही है? अभी जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि दो हॉस्टल थे ग्रेटर नोएडा के, जिसमें लगभग 200 छात्र रह रहे थे। तो देर रात का मामला है कि जब उनको खाना दिया गया था, उसके बाद अचानक ही छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी, तो एकाएक उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। लगभग अभी तक 100 छात्र ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई हुए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। पुलिस भी अब मामले की जाँच पड़ताल में जुट चुकी है कि पता करना, जो फूड पॉइजनिंग की वजह से छात्र बीमार हुए हैं उसको लेकर स्वास्थ्य जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी सक्रिय हो गया है। अलग अलग अस्पतालों में इन्हें भर्ती कराया गया है, जहां इनकी अभी हालत खतरे से बताई जा रही, बाहर बताई जा रही है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कारण रहे, फूड पॉइजनिंग के, खाना खराब था या कुछ था। लेकिन दो हॉस्टलों के अंदर लगभग 100 छात्र जो बीमार हुए हैं वो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस हॉस्टल को लेकर इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है? देखिए, ग्रेटर नोएडा में काफी संख्या में कॉलेज है जिसमें छात्र पढ़ते हैं, तो वो निजी हॉस्टलों में ही रहना पसंद करते हैं, जिसके चलते ये निजी हॉस्टल है जिसमें लगभग 200 छात्रों की क्षमता थी। लेकिन दो हॉस्टलों के अंदर जब फूड पॉइजनिंग हुई, तो उसके बाद चलिए आपके पास बाकी जानकारी, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।